Assalamu alaikum viewers. 9th class unit number 4, cells and tissues. The lecture number is 4 and the topic is cellular structures and functions. In this topic, we will study cell structures and their properties. And we will study the cells that are in which structures are found and what functions perform. तो सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. इसके साथ साथ ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट है. सेल में जो है वो और भी बहुत सारी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं. ये जो ऑर्गेनेल्स हैं ये मिलती हैं तो फिर ही एक सेल बनता है. तो सेल में जो है ये जो ऑर्गेनेल्स तो नहीं है, लेकिन ये जो सेल वॉल है, सेल में ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है या फिर साइटोस्केलेटन है, ये सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, लेकिन ये सेल के स्ट्रक्चर के लिए और फंक्शन के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ सबसे पहला जो टॉपिक सेल वॉल का है, ये जो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल वॉल तो नहीं रखते हैं, लेकिन जैसे कि एनिमल्स हैं या फिर एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती. ये सिर्फ प्लांट्स में या फिर प्लांट्स लाइक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ही पाई जाती है. ये जो सेल वॉल है ये प्रोवाइड करती है प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन देती है, और इसके साथ साथ ही जो स्पोर्ट प्रोवाइड करती है. ये जो सेल वॉल है ये प्लांट्स में दो तरह की होती है, एक प्राइमरी वॉल होती है और एक सेकेंडरी वॉल होती है. तो ये जो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो प्राइमरी वॉल कहलाएगी प्लांट सेल की, और जो अंदर वाली लेयर है वो सेकेंडरी वॉल कहलाएगी. ये दोनों की दोनों जो वॉल हैं, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, ये जो है ये केमिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है, और इनके जो केमिकल्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. इसके साथ साथ ही सेल में जो है सेल वॉल के अंदर का जो मटेरियल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है, क्योंकि सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है और प्लाज्मा के अंदर ही ऑर्गेनेल्स जो है वो होती हैं जिन्होंने सेल के लिए फंक्शंस कैरी आउट करने होते हैं. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी वाली जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी. तो ये प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंट होती हैं दोनों में. एनिमल्स में एनिमल्स की जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग होती है. इसके साथ साथ ही सेल का एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट भी पाया जाता है इसमें, और ये बाहर की साइड पे मौजूद होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. एनिमल मेम्ब्रेन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लांट्स मेम्ब्रेन जो है ये सेल वॉल होती है. जो एनिमल मेम्ब्रेन है जिसको हमने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा, ये भी एनिमल सेल को शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन देती है, और इसके साथ साथ स्पॉट भी प्रोवाइड करती है प्रोटोप्लाज्म को. तो नेक्स्ट जो प्लांट्स हैं उनमें उनके सेल वॉल्स में केमिकल्स की वैरायटीज पाई जाती हैं. चूंकि पहले भी मैंने प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल की बात की, तो जो प्राइमरी वॉल है ये आउटर लेयर है, उसमें जो केमिकल है वो सेलुलोज पाया जाता है. सेलुलोज है ये मोस्ट कॉमन केमिकल है जो प्राइमरी वॉल में पाया जाता है, और इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे प्लांट सेल्स हैं जिनमें सेकेंडरी वॉल्स पाई जाती हैं, और वो जो सेकेंडरी वॉल्स हैं ये जाइलम सेल्स में मौजूद होती हैं, और ये जो जाइलम सेल्स हैं ये सेकेंडरी सेल्स में पाए जाते हैं. और ये दो तरह के सेल्स होते हैं, जाइलम सेल हैं और एक फ्लोइम सेल है. जो जाइलम सेल है ये फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है, और जो फ्लोइम सेल है ये वाटर मिनरल्स और साल्ट वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल होता है. तो ये जो जाइलम सेल्स हैं ये इनके और भी हेल्पर सेल्स भी मौजूद होते हैं, जैसे सीव ट्यूब्स होती हैं, तो ये भी जो है वो कंडक्शन का ही काम देती हैं. तो चूंकि ये सेकेंडरी सेल्स होते हैं इसलिए इनकी जो वॉल्स हैं वो सेकेंडरी वॉल्स कहलाती हैं, और इनकी जो अंदर वाली साइड में है, यानी कि ये जो सेकेंडरी वॉल्स हैं ये प्राइमरी वॉल्स के अंदर वाली साइड पर मौजूद होती हैं, और ये मोटी भी होती हैं. इनकी वॉल्स जो है वो थिक होती हैं, और इसमें जो केमिकल है वो लिगनन पाया जाता है. लिगनन के साथ साथ कुछ दूसरे केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो इनकी थिकनेस को बढ़ाते हैं और जो है वो हेल्पफुल होते हैं. इसके साथ साथ ही इनकी जो सेल वॉल्स हैं जाइलम सेल्स की, और ये जो एडजेसेंट सेल्स यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए ये सेल्स होते हैं, और इनकी जो दीवारें हैं उनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं ताकि ये जो पोर्स हैं और सुराख हैं उनके जरिए जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्टेड रहे, और साइटोप्लाज्म के जरिए ही जो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो इन पोर्स के जरिए होती है. ये जो एडजेसेंट सेल्स हैं और उनमें ये जो पोर्स हैं ये ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो हेल्पफुल होते हैं. तो ये जो पोर्स हैं ये प्लाज्मोडस मैटा कहलाते हैं. इसके साथ ही नेक्स्ट और भी ग्रुप्स के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि फंजाई हैं या फिर प्रोटिस्ट हैं. तो फंजाई और प्रोटिस्ट भी सेल वॉल रखते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ सेलुलोज केमिकल ही नहीं पाया जाता, क्योंकि फंजाई जो है वो प्लांट लाइक तो जरूर है लेकिन उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो प्लांट लाइक बिल्कुल भी नहीं है.
ठीक है, प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉफिक है, यानी कि ये एब्जॉर्प्टिव इसका फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है फंजाई का, तो इसलिए इसकी जो सेल वॉल है उसमें भी सेलुलोज नहीं पाया जाता। फंजाई की सेल वॉल में एक केमिकल होता है, वो केमिकल काइटन है, काइटन पाया जाता है फंजाई की सेल वॉल में। और जो प्रोकैरियोट्स या फिर प्रोटिस्ट्स हैं, इनकी जो सेल वॉल है ये एक केमिकल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई है। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये एक मिक्सचर होता है दो चीजों का, ये एक दो चीजों का कॉम्प्लेक्स है, एक है जी अमाइनो एसिड्स और एक है शुगर्स, इन दोनों के मिलने से एक केमिकल बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन। इसी केमिकल के मिलने से प्रोकैरियोटिक की जो है वो सेल वॉल बनती है। नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक है जी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन चूंकि एनिमल मेम्ब्रेन है ये, और ये एनिमल सेल्स में ही पाई जाती है, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें एक थिन और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें साइटोप्लाज्म को जो है वो कवर अप किया जाता है, यानी कि सेल के अंदर का जो भी मटीरियल है उसका इंटरनल जो भी पार्ट है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। जो प्लांट्स का पार्ट था वो प्रोटोप्लाज्म था, और जो एनिमल्स का है वो साइटोप्लाज्म है, ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट जो ये जो सेल मेम्ब्रेन है जो एनिमल सेल्स में पाई जाती है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर भी काम करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मींस, या फिर सेमी परमिएबल बैरियर का मतलब है कि ये कुछ मटेरियल को अपने अंदर से गुजरने देगी और कुछ को जो है वो नहीं गुजरने देगी। जो मटेरियल एक दफा इसमें से गुजर कर सेल के अंदर चले जाएंगे दोबारा वो बाहर नहीं आ सकते हैं। इसके साथ साथ ये फेंसिंग के तौर पर भी काम करती है सेल मेम्ब्रेन। फेंसिंग मींस के ये एक ऐसा फाइटिंग मटेरियल है जो कि एक दफा मॉलिक्यूल जो अंदर चले गए हैं उनको जो है वो उनके अगेंस्ट फाइट करता है कि वो दोबारा बाहर ना आ सके। तो ये क्या करता है, ये फेंसिंग मटेरियल के तौर पर भी काम करता है। इसके साथ साथ ही इसमें काफी सारे केमिकल्स भी मौजूद होते हैं इसके अंदर ही मौजूद, ये भी जो है वो कुछ केमिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है। तो इस तरह जो इनकी इंटरनल कंपोजिशन है सेल की वो सेल मेम्ब्रेन को जो है वो मेंटेन रखती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की शेप को मेंटेन रखती है, इसकी स्ट्रेंथ को, प्रोटेक्शन को, एज वेल एज इसकी ये सेल को जो है वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो ये जो है वो इतने सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके साथ साथ ही सेल मेम्ब्रेन का जो अहम, बहुत ही ज्यादा अहम काम जो है वो केमिकल मैसेजेस को सेंस भी करना है, यानी कि ये चूंकि खुद भी केमिकल से ही मिलकर बनी हुई होती है, तो जो भी केमिकल मैसेजेस जैसा कि हार्मोन मैसेजेस होते हैं जो कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो सेंड कर रहा होता है, तो ये इन मैसेजेस को भी सेंस करता है। इसके साथ साथ जो बाकी के सेल्स हैं उन्हें भी ये आइडेंटिफिकेशन में मदद देता है। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन की जो केमिकल एनालिसिस है उसके जरिए अगर देखा जाए तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये दो चीजों से मिलकर बनी हुई, दो या तीन चीजों से ही मिलकर बनी होती है। उसमें जो दो या तीन चीजें हैं उसमें पहले नंबर पे प्रोटीन है, फिर लिपिड्स हैं, और फिर कुछ मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीनों चीजें मिलकर ही केमिकल कंपोजिशन बनाती हैं सेल मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी एग्जामिनेशन की जाए तो जो सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो ये जो मॉडल है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की एग्जामिनेशन देगा हमें। और ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है चूंकि ये डबल लेयर के तौर पे काम करता है, ठीक है, तो इसलिए लिपिड बाय लेयर इसको कहेंगे। और इसके साथ साथ ही ये एक आउटसाइड शो ऑफ करवाएगा और एक यहाँ पर इनसाइड दिखाई हुई है। इसके साथ साथ तो इसमें कुछ प्रोटीन के मालिक्यूल हैं, कोलेस्ट्रॉल के भी मालिक्यूल इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये जो लिपिड बाई लेयर है ये क्या करती है, एक तो फ्लूइडिटी देती है मटेरियल्स के लिए, और इसके साथ साथ ये मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी देती है। अगर किसी भी किस्म के फॉर एग्जांपल कोई लार्जर साइज का मालिक्यूल आ गया है तो फर्स्ट टाइम तो ये है कि ये यहाँ पर गेटवे एक लगा हुआ है, एक गेट के तौर पर ये प्रोटीन काम कर रही है। अगर कोई लार्जर साइज का मालिक्यूल होगा तो ये ओपन या फिर क्लोज होगी, लेकिन अगर कोई स्मॉल साइज मालिक्यूल है तो ये मेम्ब्रेन जो है ये उन स्मॉल साइज मालिक्यूल्स के लिए सेमी परमिएबल के तौर पर काम करेगी, यानी कि जो छोटे छोटे मालिक्यूल्स हैं वो इसमें से आसानी से गुजर सकते हैं। जो बड़े साइज के मालिक्यूल्स होंगे, जो माइक्रो मालिक्यूल्स हैं, वो इस गेट से ही गुजरेंगे, वो इसमें से नहीं गुजर सकते हैं, तो इसलिए ये गेटवे के तौर पर काम करते हैं।
ये जो लिपिड बाई लेयर है ये फ्लूडिटी के साथ साथ मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी भी देती है, इसके साथ साथ इसमें कुछ मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये इन प्रोटीन के साथ बाइंड अप हुए होते हैं, जुड़े होते हैं या फिर लिपिड्स के साथ। ये जो सारी की सारी कवरिंग है ये लिपिड की बनी हुई होती है पिंक वाली, ठीक है। तो ये पिंक वाली सारी लेयर जो है वो लिपिड्स की है, जब कार्बोहाइड्रेट इन लिपिड्स के साथ जाके जुड़ेंगे तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बना देंगे, ग्लाइकोलिपिड भी एक केमिकल कंपोनेंट है। सिमिलरली जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ जो कि एम्बेडेड फॉर्म में पाए जाते हैं उनके साथ जुड़ेंगे तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बना देंगे, ये भी एक मॉलिक्यूल ही है, केमिकल कंपोनेंट ही है। तो यूकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल भी इसमें मौजूद होता है। तो इसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेल्स भी हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर सेल में दिखाया हुआ ये माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट भी है, इसके बाद है वो गॉल्जी अपरेटस है, यहाँ पर ये दिखाया है, इसको गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, तो ये दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ बाहर वाली न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर वाली साइड पर पाया जाता है। तो फर्दर भी इसकी दो टाइप्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बिल्कुल ही स्मूथ दिखाया हुआ है, उसमें कोई भी जो है वो डार्क निशान वगैरह नहीं है, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें डार्क स्टेन्स हमें दिखाए हुए हैं और ये रफनेस को शो करते हैं। इसके साथ साथ ये जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं ये सारी की सारी बाउंडेड होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि इनके बाहर भी मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं जिन्हें जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो जब भी हम सेल की मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करते हैं तो हम उन्हें सेल मेम्ब्रेन ही कहेंगे, लेकिन जब हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे ये यहाँ पर ये वाली जो है तो ये सेल मेम्ब्रेन नहीं बल्कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है।